हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी इन्फ्यूज़न के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन को, तो आज हम लोग देखते हैं कि आईवी इन्फ्यूज़न क्या होता है और उसको हम देखेंगे किससे, वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल से। तो जैसा कि हमने देखा था आईवी बोलस जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो आईवी बोलस जो फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था वो हम देते थे रैपिड देते थे, बट इन्फ्यूज़न हम किस केस में देते हैं पहले हम ये समझ लेते हैं। और आपको वन कंपार्टमेंट के बारे में पता है, ओपन मॉडल के बारे में पता है ये क्या होता है, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में इसको डिस्कस किया है। तो आइए देखते हैं आईवी इन्फ्यूजन किस केस में दिया जाता है। तो गाइस, इन्फ्यूज़न हम जब कोई भी ड्रग हमारी रैपिड, उसका रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, अगर हमारी ड्रग का रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, मीन्स रैपिडली हमारी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट नहीं हो पा रही है, उस केस में हम आईवी इन्फ्यूज़न देते हैं। अगर हमारी कोई ड्रग टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, उस केस में हम ड्रग को आईवी इन्फ्यूज़न के थ्रू ड्रग को देंगे पेशेंट को। और अगर हमें प्लाज्मा में इस ड्रग की स्टेबल कंसंट्रेशन चाहिए, प्लाज्मा में ड्रग की हमें अगर स्टेबल कंसंट्रेशन चाहिए, प्लाज्मा ड्रग स्टेबल कंसंट्रेशन चाहिए, तो उस केस में भी हम आईवी इन्फ्यूज़न देते हैं। तो देखते हैं आईवी इन्फ्यूज़न, तो हमने ये देख लिया कि किन केसेस में आईवी इन्फ्यूज़न कब दिया जाता है, जब ड्रग हमारी रैपिडली एडमिनिस्ट्रेशन, उसका रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, या ड्रग हमारी टॉक्सिसिटी, रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन करने पे ड्रग अगर हमारी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, देन हम आईवी इन्फ्यूज़न पे जाते हैं। और अगर हमें ड्रग प्लाज्मा में ड्रग की स्टेबल कंसंट्रेशन चाहिए, तो उस केस में भी हम आईवी इन्फ्यूज़न देते हैं। और ये हमें पता है कि अगर ड्रग हमारी ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो हो रहा है स्लोअर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ड्रग जो हमारी रिएक्शन होगी, अगर किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्लोअर हो रहा है, तो जो हमारी रिएक्शन होगी वो जीरो ऑर्डर को फॉलो करेगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। और अगर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और अगर ड्रग का फास्ट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फास्टर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ड्रग हमारी ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। तो यहाँ पे इन्फ्यूज़न के केस में, आईवी इन्फ्यूज़न में आप देख रहे हैं कि हम इन्फ्यूज़न इसीलिए दे रहे हैं कि ड्रग का हमारे रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे स्लोअर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ड्रग हमारी इन्फ्यूज़न में ड्रग हमारी धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी, तो उस केस में हमारा जो भी जो एब्जॉर्प्शन होगा वो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के थ्रू होगा। अब हम देखते हैं इस जो हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स रखी, इनके हेल्प से हम इसका डायग्राम सेट करते हैं। तो डायग्राम में आपको वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल है, तो यहाँ पे हमारा एक कंपार्टमेंट होगा, सिंगल कंपार्टमेंट होगा, जो कि ब्लड और अदर बॉडी टिश्यूज का बना हुआ होगा। ब्लड एंड अदर बॉडी टिश्यूज, ये ब्लड एंड अदर बॉडी टिश्यूज का बना हुआ होगा, जो ये हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट होगा। और ये जो इसमें जो टिश्यूज होंगे, ये हाईली परफ्यूज टिश्यूज होते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व होगी, पहला रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड दूसरा रेट ऑफ इलिमिनेशन। अब जो आईवी बोलस के केस में हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन वाला जो स्टेप था, ये बाईपास हो जा रहा था, क्योंकि डायरेक्टली हमारी जो ड्रग थी वो ब्लड में पहुंच जा रही थी। तो यहाँ पे जो होगा रेट ऑफ ड्रग हमारी इन्फ्यूज होगी, तो ये जो एरो है ये रेट ऑफ इन्फ्यूज़न को रिप्रेजेंट करेगी। तो रेट ऑफ इन्फ्यूज़न को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं आर जीरो से। ये हमारा क्या है, इन्फ्यूज़न रेट है, इन्फ्यूज़न रेट है, जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगी। इसे हम कह सकते हैं जीरो ऑर्डर इन्फ्यूज़न रेट, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो स्लोअर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। देन जो सेकेंड रेट है, ये आपका क्या है, रेट ऑफ इलिमिनेशन। ये है हमारा इलिमिनेशन रेट, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे के ई से। और जो इलिमिनेशन है हमारा, ये आपका ये किसको फॉलो करेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा। तो ये हमारा डायग्राम हो गया वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी इन्फ्यूज़न का। अब आइए हम इसके इक्वेशंस को सेट करते हैं, देखते हैं इसकी इक्वेशंस क्या मिलती हैं हमें इसके
हम इक्वेशन को सेट करेंगे। तो हम इसमें अगर देखते हैं किसी भी टाइम पे एट एनी टाइम ड्यूरिंग इन्फ्यूज़न द रेट ऑफ चेंज इन द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी मीन्स हम रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं डी एक्स अपॉन डी टी से। और आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज इन द अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, रेट इन मीन्स रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन माइनस रेट आउट, इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमारा रेट इन क्या है, रेट इन मीन रेट ऑफ इन्फ्यूजन, जिसे हम आर जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे थे, एंड रेट आउट यहाँ पे हमारा हो जाएगा के ई एक्स, मीन्स किस रेट से हमारी ड्रग जो ड्रग हमारी बॉडी में है वो इलिमिनेट हो रही है। तो एक्स हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी। तो हमारे पास जो इक्वेशन मिली वो इक्वेशन हमें क्या मिली कि डी एक्स अपॉन डी टी, इस कंपार्टमेंट को जो हमने डिजाइन किया था इस कंपार्टमेंट से हमें जो इक्वेशन मिली वो मिली डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर जीरो मीन्स रेट ऑफ इन्फ्यूजन माइनस इलिमिनेशन रेट। ये है डी एक्स, अब हम जो इक्वेशन मिली ये इक्वेशन मिली डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर जीरो माइनस के ई एक्स, इसे हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर वन। अगर अब हम क्या करेंगे इस रिएक्शन इस इक्वेशन का हम करेंगे इंटीग्रेशन और रीअरेंजमेंट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद और रीअरेंजमेंट के बाद हमें क्या इक्वेशन मिलती है आइए देखते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन और रीअरेंजमेंट कैसे होगा उसके उन इंटीग्रेशन को मतलब हमने पूरा क्लियर उसके स्टेप वाइज समझाया, उसके लिए आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रेट कॉन्स्टेंट्स वाले वीडियोज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट देंगे कि आपका इंटीग्रेशन होने के बाद क्या रिएक्शन हमें मिलेगी। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पे हमें मिलेगा फाइनली आर एक्स इज इक्वल टू आर जीरो अपॉन के ई वन माइनस ई की पावर के ई टी, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर टू। ये इक्वेशन हमें इंटीग्रेशन के बाद मिलेगी। अब अगर यहाँ पे हम जो हमने यहाँ पे जो ड्रग की कंसंट्रेशन ली हुई है ड्रग कंसंट्रेशन यहाँ पे हमारी जो एक्स है ड्रग का हम अमाउंट देख रहे हैं, अगर हम इसको कंसंट्रेशन के केस में लेना चाहें तो यहाँ पे हमें एक्स को इसकी वैल्यू जो होगी ये वी डी सी होती है, तो इसकी हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन के फॉर्म में भी इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वी डी सी इज इक्वल टू आर जीरो अपॉन के ई वन माइनस ई की पावर माइनस के ई टी, इसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा सी इज इक्वल टू आर जीरो अपॉन के ई वी डी इज वन माइनस ई की पावर के ई टी। और आपको पता है के ई वी डी क्या होता है, के ई वी डी इज इक्वल टू क्लियरेंस। तो यहाँ पे हमें जो इक्वेशन मिल जाएगी वो क्या हो जाएगा, ये आर जीरो अपॉन टोटल क्लियरेंस वन माइनस ई की पावर के ई टी। तो यानी हमें यहाँ पे जो इक्वेशन मिली कंसंट्रेशन के केस में जो हमें इक्वेशन मिली वो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगी, सी इज इक्वल टू आर जीरो सी एल टी इज इक्वल टू सॉरी वन माइनस ई की पावर के ई टी। ये हमें इक्वेशन फाइनल मिल गई कंसंट्रेशन के केस में सी इज इक्वल टू आर जीरो सी एल टी वन माइनस ई की पावर के ई टी, इसको हम लिख सकते हैं ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई थ्री। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें तीन तरह के इक्वेशंस मिली। पहला जो मिला था वो हमें ये मिला कि डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर जीरो माइनस के ई एक्स, इसको हमने फर्दर और सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला एक्स इज इक्वल टू आर जीरो अपॉन के ई वन माइनस ई की पावर के ई टी। देन फर्दर कंसंट्रेशन के केस में हमने जब इसको लिया तो सी इज इक्वल टू आर जीरो अपॉन सी एल टी इज इक्वल टू वन माइनस ई की पावर के ई टी। तो यहाँ से हम डिफरेंट पैरामीटर्स को कंसंट्रेशन को क्लियरेंस को और रेट ऑफ इलिमिनेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं, ग्राफ प्लॉट करने से हमें और आसानी से समझ में आएगा। इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम
यहाँ पे ग्राफ में लेंगे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे लेंगे हम कंसंट्रेशन एंड एक्स एक्सिस पे लेंगे टाइम। और देखिए इसमें क्या होता है, इन्फ्यूज़न में जब हमारा इन्फ्यूज़न हमारी स्टार्ट होती है, मींस स्टार्ट ऑफ इन्फ्यूज़न पे जिस टाइम पे इन्फ्यूज़न रेट हमारा स्टार्ट होता है, उस टाइम पे जो ड्रग की कंसंट्रेशन होती है बॉडी में वो जीरो होती है, क्योंकि यहाँ से बहुत मतलब जो ड्रग का इन्फ्यूज़न होता है वो बहुत स्लोवर होता है, तो उस केस में इलिमिनेशन रेट भी जीरो होता है। बट जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होते जाता है, ड्रग हमारी बॉडी में ड्रग की कंसंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज होती है, रेट ऑफ इलिमिनेशन भी इंक्रीज होता जाता है, और वहाँ पे एक भी ड्रग हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज होते होते पीक पे पहुँच जाती है, जिसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, उसको हम इस ग्राफ से देखेंगे। तो ये हमारा हो गया, हमने वाई एक्सिस पे रखा कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे टाइम, देन ड्रग का जब इन्फ्यूज़न होगा, इन्फ्यूज़न होते होते धीरे धीरे ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज टाइम के साथ, जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इंक्रीज होते होते ड्रग एक कंसंट्रेशन पीक पे पहुंच जाएगी। ये जो पॉइंट आएगा ड्रग का, यहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन पीक पे, इसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन हमारी स्टेबल हो जाएगी, तो हमें इसे हम इसे स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। ये हमारी हो जाएगी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे CSS से, मीन्स कंसंट्रेशन एट स्टेडी स्टेट। और आपको पता है ये स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ये हमारी पीक पे मिलेगी, और हमें ये पता है कि इस केस में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है आपका, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये इज इक्वल टू हो जाता है रेट ऑफ इलिमिनेशन। तो ये हमारी यहाँ पे जब हमारी ड्रग एब्जॉर्ब होते होते यहाँ पे इन्फ्यूज़न होते होते उसका ये पीक पे पहुँचेगी, ये कंसंट्रेशन पीक पे पहुँचने के बाद ये स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पे पहुँच जाएगी। और अगर इस पॉइंट पे हम इन्फ्यूज़न को स्टॉप कर देते हैं, तो हमारी ड्रग कंसंट्रेशन डिक्लाइन होना यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे पॉइंट पे अगर हमने इन्फ्यूज़न को स्टॉप कर लिया, तो ड्रग हमारी यहाँ से फिर इलिमिनेट होना शुरू हो जाएगी। और ये जो टाइम होगा आपका, ये जो टाइम होगा जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव करने में, इसे हम कहेंगे टोटल, ये जो टाइम होगा आपका ये होगा इन्फ्यूज़न टाइम, और यहाँ पे जो रेट ऑफ इन्फ्यूज़न होगा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R0 से। तो ये आपका हो गया प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल फॉर अ ड्रग गिवन बाई कॉन्स्टेंट रेट। अगर एक कॉन्स्टेंट रेट से ड्रग हमारी दी जा रही है, तो किस तरीके से स्टेडी स्टेट पे पहुंचेगी, इसको हमने इस ग्राफ से देख लिया। अब हम यहाँ पे स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं हमारी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन क्या आती है। तो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है हमारी, यहाँ पे स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को देखते हैं, अगर इस केस में तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा DX/DT इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने देखा कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ इल्यूमिनेशन बराबर हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों जब बराबर हो जाएगा तो रेट इन हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, वो क्या होती है DX/DT इज इक्वल टू रेट इन माइनस रेट आउट। तो ये अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो हमारा DX/DT ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो इक्वेशन नंबर 1 हमें मिली थी उसको रखते हैं, तो इक्वेशन वन रखते हैं। यहाँ पे हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, DX/DT इज इक्वल टू R0 - KEX। और चूंकि स्टडी CSS लेवल पे हमारा DX/DT क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 R0 - KEX। और फिर फाइनली हमें क्या मिलेगा कि KEX
इज इक्वल टू आर जीरो मीन्स रेट ऑफ, यही इसको हमने जो यहाँ पे आपने कहा कि स्टेडी स्टेट पे हमारा क्या होता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ इलिमिनेशन, इसको ये इसका हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इक्वेशंस के थ्रू भी हमने इसे प्रूव कर दिया। अब ये जो हमारा के ई एक्स है, ये के ई एक्स आपका स्टेडी स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो के ई एक्स एस एस हो जाएगा इज इक्वल टू आर जीरो। अब अगर हम इसे सी कंसंट्रेशन एक्स को, यानी एक्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, अगर हम इसे कंसंट्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें क्या मिल जाएगा, सी एस एस इज इक्वल टू आर जीरो अपॉन के ई वी डी। और आपको पता है सॉरी ये हो जाएगा आपका सी, अगर हम इसे कंसंट्रेशन प्लाज्मा कंसंट्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा हो जाएगा सी एस एस इज इक्वल टू आर जीरो अपॉन के ई वी डी। और आपको पता है के ई वी डी इज इक्वल टू क्या होता है, क्लियरेंस। तो ये हमारा जो इक्वेशन मिल गई, ये हमें क्या मिल गई, सी एस एस इज इक्वल टू आर जीरो अपॉन क्लियरेंस। अब अगर इसे हम फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी इक्वेशन, सी इज इक्वल टू सी एस एस वन माइनस ई की पावर माइनस के ई टी। ये अगर यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर टू की वैल्यू रखते हैं तब ये हमें मिलेगी। और हमारी इक्वेशन नंबर टू क्या थी, सी इज इक्वल टू ये हमारी इक्वेशन नंबर थ्री थी, सी इज इक्वल टू आर जीरो अपॉन सी एल टी वन माइनस ई की पावर के ई टी। तो यहाँ पे हमने ये इक्वेशन रखा, इसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सी इज इक्वल टू सी एस एस माइनस सी एस एस ई की पावर माइनस के ई टी। अब इसे हम और सी कंसंट्रेशन को एक तरफ ले लेते हैं तो सी एस एस माइनस सी अपॉन सी एस एस इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के ई टी। अब अगर हम इसे लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो देखते हैं क्या मिलेगा हमें, लॉग सी एस एस माइनस सी अपॉन सी एस एस, यानी सी एट स्टेडी स्टेट इज इक्वल टू लॉग ई की पावर माइनस के ई टी। और हमें पता है लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, लॉग बेस 10 ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.303। तो यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिल जाएगा, लॉग सी एस इज इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा हमें के ई टी, लॉग ई की वैल्यू हम क्या रख देंगे 2.303। तो ये हमें फाइनल इक्वेशन मिल गई, हमें फाइनल इक्वेशन क्या मिल गई, लॉग सी एस एस माइनस सी अपॉन के इज इक्वल टू के ई टी अपॉन 2.303। तो स्टेडी स्टेट के केस में हमें जो इक्वेशन मिली वो मिल गई लॉग सी एस एस माइनस सी अपॉन कंसंट्रेशन एट स्टेडी स्टेट इज इक्वल टू माइनस के ई टी अपॉन 2.303। अब इस वैल्यू से ये हमारा हमने देख लिया स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन में क्या इक्वेशन मिलेगी और नॉर्मल केस में हमें क्या इक्वेशन मिलेगी। अब इस इक्वेशन से हम टी एफ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एलिमिनेशन रेट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका आप अगर देखिए तो जो हमें ग्राफ प्लॉट करना हो तो ग्राफ के लिए जो हमारा है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं कैसे, इसका बहुत आसानी से ग्राफ प्लॉट करेंगे। वाई एक्सिस पे लेंगे हम कंसंट्रेशन को, तो ये जो वैल्यू है हमारी ये आ जाएगी वाई एक्सिस पे, तो लॉग सी एस एस माइनस सी अपॉन कंसंट्रेशन एट स्टेडी स्टेट, और एक्स एक्सिस पे आ जाएगा हमारा टाइम, और यहाँ पे हमारी जो कंसंट्रेशन होगी ये ग्राफ जो शो करेगा ये लीनियर ग्राफ शो करेगा। तो और ये जो हमारी इक्वेशन है ये हो जाएगा हमारा स्लोप इज इक्वल टू माइनस के ई अपॉन 2.303। तो ये हमारा सेमी लॉग प्लॉट हो गया। तो गाइज ये हम लोगों ने देख लिया वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी इन्फ्यूज़न के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।